डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज हम डॉन के जिस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है क्लाइमेट डेट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आज के इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या यूएन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के कहने पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ देगा, क्या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्प करेंगे, क्या पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मईशत के साथ मौसमियाती असरात का मुकाबला कर सकेगा। आज इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज मेड एन इंपेशंस अपील फॉर सब्सटेंशियल डेट रिलीफ फॉर डेवलपिंग नेशंस। एंटोनियो गुटेरेस जो के यूनाइटेड नेशन के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि तरक्की पजीर ममालिक का जो कर्जा है इसमें कुछ रिलीफ दिया जाए। एट द एंड ऑफ हिज सॉलिटरी विजिट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर ही प्लेज टू स्ट्रॉन्गली एडवोकेट डेट स्वैप्स विद द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एज वेल एज द G20 मीटिंग टू इनेबल पुअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान टू यूज दैट मनी टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेजिलेंस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ देयर इकोनॉमीज इंस्टेड ऑफ पेइंग बैक लोन टू द क्रेडिटर्स। G20 इजलास IMF और वर्ल्ड बैंक और इसके साथ पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर एंटोनियो गुटेरेस ने ये ऐलान किया है कि IMF वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालक को गर्दशी कर्जों के मुकाबले में कुछ रिलीफ फ्राहम करें ताकि पाकिस्तान जैसे ममालक जो के मौसमियाती असरात का मुकाबला कर रहे हैं उन्हें कुछ रिलीफ फ्राहम हो और वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम कर सके। टर्निंग द फ्लड डिवेस्टेशन ट्रिगर्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड मूनसून रेन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर साइज क्लाइमेट चेंज, मिस्टर गुटेरेस रिपीटेड दैट द रिलीफ ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड नॉट ऑफ जेनरोसिटी। शदीद तरीन मूनसून बारिशों और मौसमियाती असरात और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसके मुकाबले में जो अदारे पाकिस्तान को रिलीफ फ्राहम करेंगे ये पाकिस्तान के लिए इंसाफ है और ये कोई सखावत नहीं है कि पाकिस्तान पर किसी ने कोई एहसान करना है। बिफोर हिज डिपार्चर फॉर न्यूयॉर्क ही असर्टेड पाकिस्तान हैज नो रिसोर्सेज टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ लाइव्स क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। और न्यूयॉर्क में भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के पास फसलों के नुकसान और जानवरों के नुकसान और घरों की तबाही को ठीक करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं। दोज हु हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन मस्ट मैसिवली सपोर्ट द कंट्री। और वो ममालिक जिनके पास कुछ देने के लिए है वो पाकिस्तान की लाजमी मदद करें। पाकिस्तान टोटल एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज हैव ऑलरेडी सर्ज्ड टू 39.7% ऑफ द GDP और $130.2 billion एंड इट्स डेट सर्वाइविंग जंप टू ओवर $15 billion ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर हैम्परिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज द कंट्री इज लेफ्ट विद लिटल टू स्पेंड ऑन द सोशल सेक्टर एंड ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। पाकिस्तान का टोटल गर्दशी कर्जा जो के टोटल GDP का 39% है और $130 billion तक पहुंच चुका है और हालिया साल के अंदर $15 billion का इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान के पास उनके लोगों को अपडेट करने के लिए और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान जो उन पर इन्वेस्ट करके उन्हें दोबारा सपोर्ट फ्राहम कर सके और दोबारा एक बेहतरीन शहरी की जिंदगी की तरफ ला सके। डैट्स नॉट ऑल, और कुछ भी मुमकिन नहीं। शुड मल्टीलेटरल लीडर्स एंड द वेल्थी नेशन एग्री टू UN सेक्रेटरी जनरल प्रपोजल इट वुड प्रोवाइड अ चांस टू मेनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू रिगल आउट ऑफ द डेट ट्रैप
स्टैंड ऑन देयर फीट एंड पुल देयर सिटीजन आउट ऑफ अब्जेक्ट पॉवर्टी। अब तरक्की याफ्ता ममालिक को यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के प्रपोजल पर काम करना चाहिए और तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान उसे इमदाद फराहम करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके और अपने लोगों को गुरबत से निकाल सके। द हैविली इन डेट पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव लॉन्च इन 1996 बाय द IMF एंड वर्ल्ड बैंक विद द एम ऑफ इंश्योरिंग डेट नो पुअर कंट्री फेसिस अ डेट बर्डन इट कैन नॉट मैनेज डिड नॉट फॉर सेवरल रीजंस क्रिएट द इम्पैक्ट इट वाज इनिशियली एक्सपेक्टेड टू। 1996 के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक जो कि बिरौनी कर्जों की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते उन्हें कुछ सपोर्ट फ्राहम की जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन ना हो सका। However, it did help beneficiary nations boost their spending on infrastructure, education, health and other social services. इन अदारों का ये फायदा हुआ कि इन तरक्की पजीर ममालक के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और दूसरे सोशल सर्विसेज के अदारों में कुछ हेल्प मिली जिसकी वजह से वो अदारे बूस्ट कर किए। इंडीड डेट रिलीफ और फॉरगिवनेस इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू आवर लिक्विडिटी प्रॉब्लम और इसमें कोई शक नहीं कि कर्जों की माफी कोई मुस्तकिल हल है। येट देयर इज अ फेयर चांस अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर डेट स्वैप्स बाय द UN सेक्रेटरी जनरल would provide countries like Pakistan facing recurring climate-induced disaster on top of extreme financial difficulties some room to increase their spending to fight the effect of natural disaster on their citizens and economies. लेकिन UN के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस की ये काविश एक बेहतरीन हिकमत अमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और वो अपने लोगों को गुरबत से निकाल सकेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे। और यकीनन ये एक मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन ये एक मरते हुए मरीज के लिए एक बेहतरीन वैक्सीन का काम कर सकती है।